अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, थोड़ी सी हेल्थ इशू हुआ था मुझे, तो थोड़ा सा मतलब मसला था वो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी कि यार मुझे हुआ था, इसलिए मेरी वीडियो मैं क्यों नहीं थी अपने ब्लॉग क्यों नहीं थी अपलोड कर रही। तो अब हुआ कुछ इस तरह है कि ईद की शॉपिंग मैंने कर ली थी तकरीबन, कह लें कि मतलब कि ये बड़ी ईद आने से 15-20 दिन पहले ही मैंने शॉपिंग सारी बच्चों की कंप्लीट कर ली थी। वीडियो बनाने में एडिट करने में थोड़ा टाइम लग गया, तो वही कि थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था मुझे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चले जी, मैं आपको बच्चों की शॉपिंग दिखाती हूँ। मेरा सूट अभी स्टिच होके नहीं आया, दुआ करें आप लोग मेरे साथ कि मेरा स्टिच सूट आज रात को आ जाए। आमीन, सबने कहना है आमीन, ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। अच्छा बाकी मैं आपको दिखाती हूँ शॉपिंग बच्चों की दिखाती हूँ। अभी मेरा अपना तो सिर्फ मैंने मेरे पास जो उस टाइम है वो आपको दिखाऊंगी। तो मैंने ये बच्चों के सूट लिए हैं फर्स्ट डे के लिए, दोनों बेटों के ब्लैक ही लिए हैं। ये मेरे बड़े बेटे का है और ये वाला छोटे बेटे का है। छोटा बेटा थोड़ा ना मतलब इसमें कंफर्टेबल नहीं रहता, लेकिन बैन के अलावा मिलते नहीं हैं, गोल गले मिलते नहीं हैं, वो भी खुद स्टिच करवाने पड़ते हैं। तो खुद स्टिच करवाए तो वो सादे ही होते हैं, ऐसे कढ़ाई शढ़ाई वाले तो नहीं होते। तो ये मैं लेके आई थी इधर से महताब वालों से, मैं लेके आई थी जो सियालकोट में रहते हैं उनको पता है। तो ये है जी अल मंसूर, इस तरह के गुगार मतलब ऐसे ही उनके हैं। ये उसका है जी शलवार है, शलवार में बड़ा प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है ये वाला साइड पे ना, ये देखें, ये देखें उन्होंने प्लेट डाले हुए हैं, ठीक है जी। ये हो गया छोटे बेटे का सूट, तो ये इंशाल्लाह जब पहनेंगे तब तो मैं आपको उनकी पिक्चर्स से इंशाल्लाह ईद का जो ब्लॉग बनाऊंगी उसमें ज़रूर दिखाऊंगी। और ये मेरे बड़े बेटे का है ये वाला, उसके ये कढ़ाई आगे पीछे ये सारी कढ़ाई हुई है, ये भी वो पहनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद मेरी बेटी का है, बेटी का भी महताब वालों से मैं लेके आई थी। तो बेटी का ये हैंग हुआ हुआ हैंगर में, तो ये भी वो माशाल्लाह जब पहनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये फ्रॉक में है, तो ये इसके बाजू हैं, इसका ट्राउज़र बड़ा प्यारा बना हुआ है। तो ये देखें इसका ये कंट्रास्ट में ट्राउज़र है। अब मुझे दिखाना नहीं आ रहा कैसे दिखाते हैं, इंशाल्लाह जब ये पहनेगी ना पहन के भी मैं आपको सही पिक्चर्स दिखाऊंगी। जब वो पहनेगी तो मैं आपको सारी पिक्चर्स बच्चों की दिखाऊंगी। सारा दुपट्टा है, 3 पीस सूट है, ये भी महताब वालों से आया है। ये है इसकी एक्चुअल प्राइस, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरी बेटी का, ये हो गया उनके फर्स्ट डे के सूट। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड डे के, ये है जी सेकंड डे के लिए। ये भी दोनों भाइयों के सेम है, ये ऐसी मतलब शर्ट है और ये साथ पैंट है मेरे बेटे की, बड़े बेटे की। तो सिंपल ही है पैंट, ठीक है जी, ये पैंट है, ये है बड़े बेटे का, ठीक है जी। ईद का सेकेंड डे का, ये सेकेंड डे के उनके सूट हैं। और ये है छोटे बेटे का, छोटे बेटे की भी सेम शर्ट है लेकिन इनकी पैंट्स में फ़र्क, ये इसके छोटे बेटे की मैंने निकर की हुई है, लॉन्ग निकर है छोटे बेटे की, ठीक है। ये छोटे बेटे की निकर है और ये साथ में उसकी शर्ट है, ये सेकेंड डे के हैं। और थर्ड डे के ये भी मेरे बड़े बेटे का है, ये शर्ट है उसकी और ये उसके साथ एम्ब्रॉयडर्ड निकर है, शॉर्ट्स निकर में है, ये बड़े बेटे की है, ठीक है जी। ये थर्ड डे की है, छोटे बेटे का मुझे मिल ही रहा थर्ड डे का, उसका भी है, तीनों मतलब तीनों दिन के एक एक सूट है उनके, ठीक है जी। और ये मेरी बेटी का है, ये मेरी बेटी का सेकंड डे का है, ठीक है जी, सेकंड डे का सूट है ये मेरी बेटी का। ये भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ है, लॉन्ग शर्ट में है, ओपन स्टाइल में बना हुआ है। ये भी जब वो पहनेगी तो मैं इंशाल्लाह पिक बना के तो अपने ब्लॉग में ज़रूर लगाऊंगी। ऐसे सही समय जब आपने फुल ड्रेस पहना हो तो फिर आपको उसे पता चलता है। ये उसका सेकंड डे का है, ये उसके साथ नैरो जो पैंट होती है ये वो है, ठीक है जी। ये ब्लू कंट्रास्ट है इसके साथ, पिंक और ब्लू का कंट्रास्ट, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं बैग के ऊपर। इस दफ़ा मेरी बेटी ने छोटी ईद की पूरी कसर निकाल ली, छोटी शॉपिंग की थी सही तरह हो सकी। तो मेरी बेटी ने जो छोटी ईद की कसर पूरी की है, छोटी उसको मैंने बैग वगैरह नहीं थे लेके दिए, उसने 2 ली हैं। तो ये एक स्टाइलो पे सेल लगी थी, हम स्टाइलो से लेके आए, सेल के आ रही बस बराए नाम ही सेल थी। तो ये मेरे ख्याल से इसका हाँ ये था, हाँ जी 1500 का, ये हमें सिर्फ 50 या 100 लेस हुआ था इसमें से, मेरे ख्याल से इतना ही लेस हुआ था, बस 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 कह रही हूँ बराए नाम सेल थी। तो और अपना मैं फिर लेके आई थी, अपना भी मुझे एक अच्छा लग गया था, जो मेरा आम रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ ना बैग वो ख़राब हो गया था, तो फिर उसकी जगह फिर मैंने ये अच्छा लगा था। ये सेल पर था, ये 50% ऑफ था, ऑफ पे था भाई, मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, हाँ जी ये 50% ऑफ पे था। तो ये अच्छा बना हुआ था भी, मुझे अच्छा लगा।
तो ये था एक्चुअल प्राइस, इसकी मेंशन है ये, ठीक है जी। और ये ऑफ़ मिला, फिर ऑफ ऑफ आप खुद ही देख लें कितने का ऑफ, 50% ऑफ है इसके ऊपर। ये बड़ा प्यारा बना हुआ है, तो मैंने अभी यूज़ नहीं किया, मैं कहीं ईद के बाद फिर मैं ना आम रेगुलर यूज़ करूँगी। चेन बनी हुई है तो अम्मी एक दिखाती हूँ मैं, तो ये इसका था चेन है ऐसे, तो क्या अच्छा अच्छा लगा था ना। और जो 50% ऑफ था ना उनके पास, थोड़े ही उनके पास चीज़ें रह गई थी, तो फिर ये मुझे अच्छा लगा था। ये कलर भी मेरे पास नहीं है, फर्स्ट टाइम मैंने ये कलर लिया है, तो फिर ये मैंने लिए अपने लिए, ठीक है। और सेकंड मेरी बेटी ने बैग लिया ये वाला, ठीक है जी। ये हमने स्टाइलो से नहीं लिया, ये हमने बाज़ार से लिया है, ठीक है जी। तो ये दो स्टाइलो से लिए थे और ये मैंने बाज़ार से लिया था अपनी बेटी का, ठीक है। ये शॉपिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, साथ मैंने बात करनी थी यार, इतने बुरे हालात तो हो गए हुए हैं, यकीन करें, न्यूज़ देखें तो हर वक्त डिप्रेशन, हर वक्त डिप्रेशन ही होता रहता है। अल्लाह ख्याल करे। अच्छा, ये मैंने ना, मैं पहनती हूँ अबाया, तो अबाया के साथ भी मैंने ना ये लिए थे, दो स्टॉलर लिए हैं, एक ये वाला एक बैरून में लिया है, और एक मैंने लिया है ये वाला ग्रे कलर में, ठीक है। अब आई में थोड़ा सा ग्रे कलर है, तो फिर मैंने ग्रे मैचिंग में लिया है, और एक वैसे उसके साथ लिया, ठीक है। ये दो मैंने स्टॉलर लिए हैं अपने, ईद की शॉपिंग में तो नहीं आते, खैर वैसे आ जाते हैं। अच्छा, सेकेंड अब मैं अपने बच्चों के जूते दिखाती हूँ। ये है जी मेरे बड़े बेटे की सैंडल, ठीक है। तो इस दफ़ा मैंने तकरीबन अपने बच्चों की ना भाइयों दोनों की सेम सेम शॉपिंग की है। ये बड़े बेटे की सैंडल है, और साथ में ये इसी ऐसे शॉपिंग किया मैंने और मेरी बेटी ने, हम लोगों ने इसी ऐसे सफ़ा जूते लिए हैं। गए हम लोग सेल की लालच में थे कि सेल लगी हुई है, सेल की लालच में गए, चलें सेल में से कुछ पसंद आएगा तो ले लें। तो फिर मेरी बेटी शहजादी को तो कुछ पसंद नहीं आया सेल में से, तो फिर उसने तो फिर वैसे रेगुलर ही जूता, मैंने भी वैसे रेगुलर, ये मेरे ही वाले आ गया, तो मैंने फिर ये वाला जूता लिया था, ये वाला, ठीक है जी। इसको वो कह रहा था, पता नहीं जूते को क्या कह रहे थे, लेकिन बड़ा इजी और कंफर्टेबल है। मुझे देखने में लगा था कि हमें निकल जाना, मैं कहता था, मैं भाई इतना महंगा मैं ले रही हूँ, जूते कहते हैं बाजी हमारी दुकान इधर ही है, हम कौन सा वैसे लोकल लेके बैठे हैं, मेरे को मसला हो तो आप ले। वैसे मैंने एक जूता पहले भी एसी ऐसे लिया था, ऐसे ही रेगुलर आम यूज़ के लिए, तो बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा पायदार रहा है। तो अब सेकेंड लिया, अब देखते हैं। तो ये सो कहता था, पता नहीं जूते का नाम नहीं मुझे आ रहा, सो क्या कहते हैं। तो ये है जी मेरा जूता, तो मैचिंग नहीं था किया, मैंने पहले ले लिया था, सूट मैंने बाद में लिया है, तो इसलिए फिर ये मेरा ऐसे ही है। अच्छा चले, ये हो गया मेरे वाला जूता, ठीक है। आपों का भी लाओ जूता है बे, ये देखें जी, लाओ ये देखें जी, ये मेरी बेटी का जूता हो गया। अच्छा जी, ये बेटे का जूता है, बड़े बेटे का, और सेम ही, मतलब साइज का थोड़ा सा फर्क है, लेकिन सेम ही डिजाइन में, छोटे का। मैं आपको छोटे का भी दिखाऊँ, ये छोटे बेटे का, ठीक है जी, नहीं सॉरी, ये बड़े बेटे का है, क्योंकि उसने ना, ये बेटे ने डब्बे में लाइन लगाई है, बड़े बेटे का, और ये मेरे छोटे बेटे का, और ये बेटी का जो जूता, मेरी का, मेरी बेटी के, हाँ ये जी मेरी बेटी का जूता, उसने अपनी पसंद से लिया है, इसका इसके सूट के साथ ये मैचिंग थी, ये वाली गोल्डन, तो फिर उसने गोल्डन में फिर ये जूता पसंद किया, ये उसकी चॉइस का, खुद मेरे साथ गई थी, अपनी मर्जी से वो लेके आई अपनी पसंद का। अच्छा बना हुआ है, उस वो ना हील नहीं पहन सकती, हील पहन के उसे चला नहीं जाता, उसका पाँव ना, स्टार्टिंग से उसने मैंने पहनाई फ्लैट जूते हैं, तो फ्लैट जूते पहनने की आदत है उसको, हील नहीं, हील में वो कम्फर्टेबल नहीं रहती, तो इसलिए फिर उसने खुद ही अपनी मर्जी से, छोटी सी इसकी इतनी सी हील है जो उसने हील ली हुई है, बस यही है। तो हील वाले हैं थे उनके पास, लेकिन उसको पसंद नहीं थे आए, तो फिर उसने ये वाला लिया, ठीक है जी। ये थी हमारी छोटी सी प्यारी सी ईद की शॉपिंग। तो बाकी मेरी बेटी ने चूड़ियाँ, बैंगल, जो उसकी हेयर बैंड, हेयर कैच जो भी हैं, पिने पोनियाँ, वो सारी उसने रखी हुई हैं, खुद ही खुद ही संभाली हुई हैं, बढ़िया बेटी माशाल्लाह, उसने खुद ही संभाली हुई है, तो वो अब उसके पास हैं। तो हाँ जी, ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी शॉपिंग ईद की। तो बात ये करनी थी कि जो हालात देख रहे हैं, जो न्यूज़ सुनते हैं, इतनी डिप्रेशन में चले जाता है ना बंदा न्यूज़ सुन के, तो कोशिश किया करें कि जो न्यूज़ सुनते हैं ना टीवी पे, उसको अवॉइड करें। तो बाकी आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक, इंशाल्लाह मैं ईद का भी ब्लॉग जल्दी अपलोड करूँगी। तो बाकी उम्मीद है कि आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगेगी। तो मेरा बेटा आ गया मेरे पास, उसने अब शोर करना शुरू कर दिया है, उसको उसने उसको ये नहीं है कि मम्मा वीडियो बना रही है, उसको सिर्फ ये है को अपने खेल में मस्त हुआ हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, अल्लाह ताला आप सबको खैर वाफियत से रखे, सबकी ईद अच्छी प्यारी मीठी गुजरे। ये ईद कुर्बानी की है, तो अपने जो इर्द गिर्द, आप लोगों के जो इर्द गिर्द लोग हैं, उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें, और कोशिश ये किया करें कि ज़रूरी नहीं है कि फ़लाँ रिश्तेदार के घर से हमें
गोश्त आया है, तो हमने भी उसके घर में गोश्त लाजमी भेजना है, उसके घर में कुर्बानी हुई है ना। आप कोशिश ये किया करें कि जिसके घर में कुर्बानी नहीं है उसके घर में ज़्यादा गोश्त भेज दें नस्बतन क्या हमें रिश्तेदार को भेजने के बजाय। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी लोग भी ऐसे करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे मेरे ससुराल वाले भी ऐसे करते हैं कि उनकी कोशिश ये होती है कि जिनके जिन्होंने कुर्बानी की है उनके घर में गोश्त ना भेजा जाए, जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनके घर में गोश्त भेजा जाए, ज़्यादा भेजा जाए। ठीक है जी, हमारे तो इधर हम मोहल्ले में हैं ऐसे लोग कि जो कुर्बानी नहीं करते, तो हम लोगों की कोशिश यही होती है कि हम लोग उनके घर में गोश्त लाजमी भेजें, ज़्यादा भेजें दूसरे घरों के नस्बत। तो बाकी फ्रीज़र भरने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो अपना हाँ अपना हिस्सा रखें, लेकिन कोशिश करें कि अपने हिस्से में भी जितनी कोशिश हो सके गरीबों को दें। हम लोग तो ऐसे करते हैं, पिछले साल ये एक तारीफ़ की बात नहीं है, मैं एक वैसे आप लोगों से नेचुरल बात कर रही हूँ कि पिछले साल हम लोगों ने बड़ी कुर्बानी की थी, मतलब कि जो बैड़ा होता है वो किया था जी। तो हम लोगों ने सारा टप जो गोश्त का हमें आया था ना, तो मतलब गोश्त जो घर में आया बन के जो बना बनू के गोश्त आया, तो मैंने तो सारा जड़ को बांट दिया था। सिर्फ कीमे का गोश्त रखा था, वो हमारे घर खाया जाता है, सिर्फ मैंने वो रखा था, बाकी सारा गोश्त मैंने बांट दिया था। क्योंकि जब खाना नहीं है अपना हिसाब भी रख के, तो बाद में भी हम लोगों ने देना ही है लोगों को, तो उससे बेहतर नहीं है कि ताज़ा गोश्त किसी के मुँह में जाए, कोई गरीब खाए, कोई दुआ दे आपको। तो बस अभी इतना ही था मेरा तो ब्लॉग, छोटा सा ब्लॉग था मेरा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, मेरी शॉपिंग पसंद आए। तो अगर तो आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि इतनी मेहनत होती है, एफर्ट होती है अपने बच्चों को निकाल के, बच्चों को मतलब छोड़ के टाइम देना। वो देखिए मेरा छोटा सा बेबी ना आगे आ गया, ठीक है, उसको मैं अब कपड़े पहनाने लगी हूँ। ये देखिए छोटा सा बेबी, तो दूसरा बेबी भी मेरा वैसे ही खड़ा है, मैं कपड़े बनाने लगी हूँ। तो मैं क्या ये नहा रहे थे, मैं क्या जल्दी जल्दी मैं ना जरा वीडियो बना के तो फिर अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज का दिन है, कल इंशाल्लाह ईद होगी। तो मेरी तरफ से सबको एडवांस में बहुत 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 ईद मुबारक, अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे। तो अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा बेबी रो रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से बात होगी। तो अभी कुकिंग शुकिंग किचन का काम अभी मैं कोई नहीं कर रही, अभी थोड़ा मैं रेस्ट में हूँ, तो रेस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा तो ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो बाकी इंशाल्लाह फिर नए ब्लॉग में इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगी कि क्या मेरे साथ मसला हुआ था। वैसे अल्लाह का शुक्र है कोरोना वगैरह का मसला कोई नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में अगर कोई बंदा बीमार हो तो बाद में बात यही जहन में आती है कि उसको शायद यही हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं हुआ, मुझे थोड़ा सा और मसला था, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग किसी ब्लॉग में शेयर करूंगी तो क्या मुझे मसला हो गया था। तो बाकी अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आप मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगी। अभी तक के लिए इतना ही था, ओके बाय बाय टाटा अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आप सबकी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हैं, अपने अपने घरों में खुश हैं बाद है। तो अभी हम लोग खाने थे पानी वाले गोलगप्पे, मैं पहले भी ये मैं मैंशन कर सकती कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में कि ये हमारे कोने में लगाते हैं जी वो गोलगप्पे, तो रेडी लगती है उनकी मगरब के बाद लगती है, तकरीबन 10-11 बजे तक उनकी रेडी रहती है गोलगप्पे वाली, और इतने मज़े के गोलगप्पे, पानी बड़े मज़े का उनका। अरे फुल खोल के दो भाई को, तो साथ में कोक हर पीने का जवाब कोई नहीं, क्योंकि पानी वाले गोलगप्पे पानी को रज लगाऊंगी मैं। तो ये देखें ज़रा गोलगप्पे चेक करें, बहुत ही वाह, अभी मैं खाने लगी हूँ क्योंकि मैंने भर लिया हुआ है, तो ये फीलिंग चले मैं खाती हूँ, फिर मैं आपसे बाद में बात करती हूँ।